अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ बीफ पाए। आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आप बनाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत इजी मेथड के साथ मैं आपको बताऊंगी, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ, और तमाम वही इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हम घर में यूज करते हैं। तो आप बनाएं। अब चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बीफ पाए बनाने के लिए मैंने ले लिया 2 पाए, ये मेरे पास 2 पाए हैं। उसके साथ ही मैंने ले लिया ऑनियन, और उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। आप रफली उसको कट कर लें। ये मैंने तकरीबन लिए हैं 4 बड़े प्याज मैंने ले लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। उसके साथ ही मैंने ले लिया दही, आपने 2 कप दही लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं हम डालेंगे, सिर्फ हम दही का यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के हम लेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, रेड चिली यानी सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, आप अपने अंदाजे से लेंगे जितना आप तीखा खाते हैं। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून या हसबे जायका। ये मेरे पास है 1 टीस्पून पपरिका पाउडर, इसका मैं यूज़ करूँगी, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। 1 टीस्पून ही मैंने ले लिया काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी पाउडर। कुछ मसाले हैं जिनको हम अभी पीसेंगे। काला ज़ीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन मैंने लिया 1/2 टीस्पून, और मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी कम, कलवंजी ले ली है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड ना करें तो कोई मसला नहीं। गरम मसाला जो मैंने लिया साबुत 2 तेज़पात ले लिए मैंने, थोड़ी सी मैंने दालचीनी की स्टिक्स ले ली हैं, जायफल और जावित्री ले ली है, एक मोटी इलायची है, उसके साथ इसमें थोड़े से लौंग और काली मिर्च है। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी, पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। जो मसाले मैंने आपको बताए थे पीसने वाले, जिनमें काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, उसके साथ गरम मसाला मैंने लिया हुआ था होल, और उसके साथ ही मैंने उसमें ऐड किया हुआ था कलवंजी को, वो तमाम चीज़ें मैंने पीस ली हैं, उनको पीस के हम ऐड कर लेते हैं। दही जो मैंने 2 कप लिया है, आपकी आसानी के लिए सबसे आसान तरीका ये कि हम सारे मसाले इसमें ड्राई ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, पेपरिका जो मैंने आपको बताया था, और जौन सा मसाला हमने ड्राई पीस के रखा हुआ है। इस तमाम मसाले को मैं अच्छा सा मैरिनेट करती हूँ, दही के साथ मिक्स कर देती हूँ इसको। दही के साथ मैंने अच्छा सा मसालों को मिक्स कर लिया, मैरिनेट कर लिया, इससे और आसानी हो जाएगी। और अब मैं प्रोसीजर शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके लिए ले रही हूँ, मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें घी का, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर ले सकते हैं। इसमें आप लीजिएगा 1 कप घी ले लीजिएगा, वैसे तो अपना भी ढेर सारा ऑयल छोड़ देते हैं, लेकिन आप बाद में निकाल लीजिएगा, अभी मैं इसमें और घी ऐड करूँगी, ये थोड़ा सा कम है। अच्छा सा घी हमारा मेल्ट हो जाए और मैं इसमें और घी ऐड करती हूँ, फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट घी मेल्ट हो चुका है, मैं इसके अंदर प्याज को ऐड कर रही हूँ और प्याज को हमने फ्राई कर लिया। पाए धोने का मैं आपको बता दूं कि मैंने इनको क्या किया था ताकि इनके अंदर स्मेल ना रहे। मैंने 1/2 कप सिरका लेके और उसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल के इन्हें पानी के अंदर डिप करी रखा है काफ़ी देर, और तकरीबन 1 घंटा आप डिप कर लें। उसके बाद आप इसको अच्छा सा वॉश कर लें, उसके अंदर स्मेल बिल्कुल नहीं रहेगी, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनेंगे। हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, उसके बाद उसमें हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे। प्याज मैंने फ्राई कर लिया, अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं फ्राई करूंगी, 1 से 2 मिनट इसको मैं फ्राई करूंगी, और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अपना दही वाला मिक्सचर जो मैंने बना के रखा है, जिसे मैंने तमाम मसाले ड्राई ऐड किए हुए हैं। अब मैं इसके अंदर दही का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छा सा भून लूंगी, दही अपना सारा पानी ड्राई कर लेगा, फिर हम इसके अंदर अपने पाए ऐड करेंगे। दही का पानी ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पाए अपने और उनकी भुनाई करूंगी।
पाए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अब मुझे इन पायों को अच्छा सा भूनना है। पाए मैंने तकरीबन 15 मिनट अपने भून लिए हैं, अब मैं इनके अंदर पानी ऐड करूंगी। अच्छा, पानी मैं इनके अंदर गर्म करके ऐड करूंगी, ठंडा पानी ऐड नहीं करूंगी। उससे ये होगा कि थोड़ा सा जल्दी बन जाएंगे और अच्छा इंशाल्लाह गोश्त टेंडर हो जाएगा। पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, अब इसमें पानी आप कितना डालेंगे कि आपके पाए डूब जाएं। मैं 1 लीटर या 2 लीटर नहीं डालती, मैं इतना डालती हूँ कि हमारे पाए अच्छे से डूब जाएं। और मैं प्रेशर को बंद करूंगी और इसको मैं 45 मिनट लगाऊंगी, 45 मिनट के बाद खोल के आपको दिखाऊंगी। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है, अब मैं चेक करती हूँ कि पाए हमारे हो चुके हैं या अभी नहीं। देखिए, इन पे ऑयल काफी सारा आ चुका है, ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अच्छा, इनका जो शोरबा बनाना है वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको ठीक करें, चाहे तो आप इसको पतला रखें। नॉर्मली जो बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में भी पाए मिलते हैं उनका शोरबा पतला होता है, आपकी मर्जी है आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं या पतला रखना चाहते हैं। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गल चुका है, सारे पाए हमारे बहुत अच्छा सा, मतलब हमारा सालन रेडी हो चुका है और अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। शोरबा आप अपनी मर्जी से घना कर लीजिएगा, मतलब ठीक करना चाहें या पतला रखना चाहें, आपकी मर्जी है। मैं अब इसको सर्व करूंगी, सर्व करके आपको दिखाती हूँ। पाए मेरे रेडी हो चुके हैं, अब इन पे गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया जिसको मैं ऐड करूंगी, आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, ठीक है? जो चीज़ आपको पसंद है उसको ऐड करें। उसके साथ मैं इस पे थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करूंगी, जितनी आपको पसंद है। उसके साथ ही इस पे थोड़ी सी आप कटी हुई स्लाइस में अदरक ऐड कर लीजिएगा, अगर आपको पसंद हो तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा लीमू के कतले भी एक दो रख सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको प्रेजेंट किया, आप जैसे चाहें इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा पाए का सालन मेरा रेडी हो चुका है, आप बनाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।